सब बहुत ही डिफिकल्ट स्टंट्स थे, बहुत ही द लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज रियली रियली हाई। आई वुड तो ये डर के ब्लॉकबस्टर में कितना डर लगा? हाँ, डर तो बहुत ही लगा। ये जैसे इसका नाम है डर का ब्लॉकबस्टर, ऑफ कोर्स एवरी स्टंट हैड अ लॉट ऑफ फियर इन इट, पर ऑफ कोर्स बहुत अच्छी तरह से सबने किया। आई थिंक एंड वी ऑल हैड सच अ गुड टाइम डूइंग इट टुगेदर। और अब जब एयर होगा आप देखेंगे कि बॉन्डिंग भी कितनी अच्छी थी सबके साथ। सो आई थिंक वो जब वो सब होता है आई थिंक यू एंड अप डूइंग अ लॉट ऑफ स्टंट्स बिकॉज ऑफ द एनकरेजमेंट, बिकॉज ऑफ एवरीबडी अराउंड यू। तो यस। अच्छा, जाने से पहले कोई प्रिपरेशन की थी और वो कोई काम आई प्रिपरेशन वहाँ पर? ऑनेस्टली यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन ऐसे काम नहीं आती। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल लेवल कि आप कैसे कामली स्टंट्स करते हो और यू नो हाउ स्ट्रांग यू आर मेंटली, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऑफकोर्स आप जब फिट होते हो, एज इन इफ़ यू आर अ फिट पर्सन, इफ़ यू गो टू द जिम, इफ़ यू स्विम, इफ़ यू डू, ऑफकोर्स ये एडेड बोनस होता है, पर ऑफकोर्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल फिटनेस। स्टंट की बात करें तो आप कितना, मतलब आपके लिए कौन सा स्टंट सबसे ज़्यादा मुश्किल था और कोई स्टंट ऐसा जो आपको करने में ज़्यादा मज़ा आया? ऑनेस्टली जब मैं कहूँगी आई थिंक एवरी स्टंट दैट वाज डिज़ाइंड इन दिस सीज़न सब बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टंट्स थे, बहुत ही द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी वाज रियली रियली हाई आई वुड से। तो ऑफकोर्स एवरी स्टंट वाज डिफ़िकल्ट, लेकिन मेरे लिए तो ऑफकोर्स थोड़े बहुत वो कीड़े मकोड़े के स्टंट्स वो वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू डू। एंड एक कार वाला स्टंट जो मैं बताऊंगी नहीं क्या था, पर मेरे लिए वो सबसे डरावना था। स्टंट परफॉर्म करते वक्त पार्टिसिपेंट्स मेंटली और फिजिकली किस तरीके से ज़्यादा प्रिपेयर रहता है उसके बारे में आप क्या? नहीं, वही दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि प्रेपरेशन आप करके नहीं जा सकते, वहाँ पे आपको सिर्फ काम रहना पड़ता है। आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कामनेस। अगर आप काम होते हो तो यू कैन डू द स्टंट्स वेरी 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 नाइसली, पर वो स्टंट्स ऐसे होते हैं कि आपको इट्स एक्चुअली अ टेस्ट टू रिमेन काम और नॉट टू रिमेन काम। अच्छा, आखिर मैं जानना चाहूँगा कि काफ़ी सारे कंटेस्टेंट्स हैं, तो आपको अपना कंपटीशन कौन लगा इसके अंदर? ऑनेस्टली सब लोग बहुत ही अच्छे कंटेस्टेंट्स थे इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ एवरीथिंग। लाइक व्हेन यू सी इट सब ने अपना 100% दिया है। आई थिंक एवरीबडी वाज अ कंपटीशन टू ईच अदर। मैं ऐसा एक नाम तो नहीं कह, आई कांट टेक वन नेम। आई थिंक एवरीबडी वाज वेरी वेरी गुड। थैंक यू। सो चैंग, खतरों के खिलाड़ी एक बार फिर आ गया है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस तरह की पूरी ट्रिप हुई? ट्रिप तो बहुत ही मज़ेदार थी यार, क्योंकि बार बार कैसे कैसे सिचुएशन में डाला गया है, कभी सांप के साथ, कभी कॉकरोचेस, कभी ऊंचाई से, कभी आग में, कभी पानी में। मतलब ज़िंदगी भर में जितने अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस होने चाहिए वो सब साथ में ही हो गए। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना डर लगेगा या कुछ इस तरह की माहौल में आप रहने वाले हैं वहाँ पे? कुछ एक्सपेक्ट तो किया था, मतलब मैंने पिछला सीज़न तो इतना कुछ देखा नहीं था, लेकिन जितना देखा था उसमें ये ज़रूर सोचा था कि ऐसा सब कुछ होने वाला जो नहीं करना चाहते रियल लाइफ में, आमतौर पे नहीं करना चाहेंगे। राका भाई तो फिर भी यहाँ पे कबड्डी खेलते तो उनको ऑलरेडी आदत है ये सब तोड़ फोड़ करने की। लेकिन भाई बहुत प्रॉब्लम हुआ स्टार्टिंग में, कुछ आइडिया ही नहीं था। हम जाते थे स्टंट पे क्या स्टंट होगा, कुछ स्टार्टिंग में हमें आइडिया भी नहीं मिलता था। बाद में तो रोहित सर थोड़ा हिंट दे देते थे, लेकिन पहले वो सस्पेंस में रखते थे, पता नहीं अब चौपर से गिराएंगे या पानी में उल्टा लटकाएंगे, कुछ आइडिया नहीं था, तो थोड़ा डर बना रहता था। कौन से एक्शन में ज़्यादा डर लगा आपको? फिर आप बताइए। चौपर से और पानी से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डर तो मुझे सांप से ज़्यादा लगता है, बाकी अच्छा ओवरऑल अच्छा था हमारे लिए, बेस्ट था मोमेंट है ये जो खतरों के खिलाड़ी सीजन 6 था। एक हमने एक अच्छे मित्र बनाए हैं, अच्छे दोस्त बनाए हैं, ये हमारी बड़ी बात हमारे लिए। चैंग, आप क्या कहना चाहेंगे? वेल, कुछ स्टंट थे जिसमें मुझे उल्टा लटकाया गया पानी के अंदर और सांस रोकनी थी और थोड़ा बड़ा जोखिम का काम था, क्योंकि मैं वैसे ही पानी से डरता हूँ, उसके ऊपर उल्टा लटका दिया जाए जहाँ आपके हाथों में कुछ नहीं है, तो उसमें बहुत डर लगता था। बट एज राका सेड अगेन, हमारा ध्यान एक्चुअली स्टंट्स पे तो था ही, लेकिन अपनी दोस्ती पे भी बहुत ज़्यादा था और जिस तरह से हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, दैट रियली मैटर्ड अ लॉट। ओके, स्टंट के दौरान कोई टिप दी थी रोहित शेट्टी ने आपको, किसी तरह की कोई भी टिप? बोलो राका भाई। थोड़ा बहुत टिप्स देते थे, लेकिन इतना नहीं, वो तो स्टंट का ब्रीफिंग होता है, वही थोड़ा बहुत हमें वो देते थे। बाकी जो कुछ करना होता था हमें ही करना होता था। सांपों से टक्कर है, कॉकरोच बिच्छू से टक्कर, वो हमने ही लेनी है। बाकी रोहित सर अच्छा सपोर्ट करते थे। रोहित सर की सबसे खास बात ये थी कि वो ऑब्वियसली पहले से कभी कुछ नहीं बताते थे, क्योंकि फिर वो फेवरेटिज्म हो जाती या फिर वो अनफेयर हो जाता। उन्होंने हमेशा इस तरह से रखा है कि सबको बराबर का मौका मिले, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा दुविधा में फंस गए तब जाके वो थोड़ा सा हल्का फुल्का से हेल्प करते थे। सो दैट वाज़ वेरी नाइस ऑफ हिम, बिकॉज अगेन अगर इतनी मेहनत के साथ स्टंट्स किया और अगर हम भी इतनी इतना मेहनत करके अगर वो स्टंट तक पहुँच रहे हैं तो वो भी चाहते थे कि हम कंप्लीट करें, तो दैट रियली हेल्प। तो फाइनली व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे खतरों के खिलाड़ी इस सीजन के बारे में? भाई हम तो कहना चाहेंगे कि आप ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। आप ये देखेंगे कि हमने कितनी बहादुरी दिखाई है, आप ये भी देखेंगे हम कहाँ कहाँ बहुत डरे हैं, बहुत फटी है हमारी तो और हमारी आप यारी देखेंगे, दोस्ती देखेंगे। रोहित शेट्टी सबसे बड़ी चीज़ है हमारी दोस्ती और यारी जो हमने बनाई है और बहुत अच्छी बनाई है। एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस शो।